मेरी प्यारी साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं राम केवल सर आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सारे पोर्शन को पढ़ चुके हैं। कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर्टिव सेंटेंस का बनाते हैं, कैसे इंट्रोगेटिव का बनाते हैं, कैसे इंपरेटिव का बनाते हैं, कैसे ऑपरेटिव का बनाते हैं और कैसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं मेरे प्यारे साथियों, जो आप आई बटन पर क्लिक करके या प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग पहला एक्सरसाइज करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए मोस्टली इम्पॉर्टेंट है और अदर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए भी मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि TGT PGT आदि में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, पढ़ने से पहले ये बताना चाहेंगे कि इंग्लिश को आप लोग सीरियसली ना लें, ये ना माने कि इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है। इंग्लिश हमारी समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश आसान लैंग्वेज है, इंग्लिश समझ में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि इंग्लिश समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा हमको क्लियर करना है क्योंकि ये हमारी मातृभाषा नहीं है, ठीक। तो इसमें हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी, इंटरमीडिएट के लिए भी, हाई स्कूल के लिए भी, देखते हैं। इसमें है पहला सेंटेंस, हाँ, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस, क्योंकि असर्टिव में कंजक्शन कुछ और लगता है, रिपोर्टिंग वर्ब कुछ और बदलती है, इंट्रोगेटिव में अलग होती है, उसके बाद में ऑपरेटिव में अलग होता है और एक्सक्लामेटरी में अलग होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि जो सेंटेंस है वो क्या है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, ऑपरेटिव है, एक्सक्लामेटरी है, तो उसको समझने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। और प्रोनाउन चेंजिंग ये भी होगा, उसके बाद में निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में चेंज कर लेते हैं। इन सारी चीज़ों का अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, उसके बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको बहुत आसान लगेगा। आइए देखते हैं हम लोग। पहला सेंटेंस है, ही सेड दिस इज माई हाउस, ओ दिस इज माई बुक। हाँ, ये दिस जो है निकटता प्रकट करने वाली शब्द है, दूरी प्रकट करते हैं, दूरी में। मेरे प्यारे साथियों, मैं बताना चाहूँगा दिस, नाउ और हियर, जब बात करते समय वक्ता के सामने हो तो फिर हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। यहाँ देखते हैं क्या है कि ही सेड, उसने कहा दिस इज माई बुक, उसने कहा ये मेरी किताब है। भाई दो लोग बात कर रहे हैं तो एक ने कहा ये मेरी किताब है, तो जो कह रहा है वो क्या है, बात करते समय वक्ता के सामने है, तो वक्ता के सामने है तो क्या होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो अब यहां देखेंगे वाक कैसे है, तो ये दिस इज माई बुक, ये असर्टिव वाक है, ऐसा है, असर्टिव सेंटेंस है। अब असर्टिव है तो कंजक्शन दैट लगेगा, सेवर है, और सेड है तो सेड को क्या, हाँ, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू है तो हम उसको किसमें बदलते हैं, उसको हम लोग सेड है तो सेड ही रहेगा, सेड टू है तो टोल्ड में चेंज करेंगे। और दूसरी चीज, जो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की क्रिया होगी वो भी क्रिया भी बदलेगी, चेंज होगी। तो यहां ये क्रिया इज एम आर किसमें बदलता है, इज एम आर मेरे प्यारे साथियों वाज या वर में बदलता है, तो यहां दैट हो जाएगा कंजक्शन, दैट दिस नहीं बदलेगा क्योंकि बात करते समय सामने है, दिस वाज। अब माई, माई किस पर्सन में, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो यहां से यहां तक रिपोर्टिंग स्पीच इसका सब्जेक्ट ही है, तो अब ये पॉसेसिव केस है, तो ही का पॉसेसिव क्या होता है, प्रोनाउन वाले पार्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं इसको, दिस वाज माई ही के साथ पॉसेसिव हिज होता है, हिज बुक, फुल स्टॉप, इनवर्ट कॉमा हटेगा। दूसरा देखेंगे, मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये ऑप्टेटिव है, तो ऑप्टेटिव में हमने क्या बताया आप लोगों को कि कंजक्शन दैट लगता है, ऑप्टेटिव में क्या लगता है, कंजक्शन दैट लगता है, और क्या होता है, मे को माइट में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, और जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसे वाक्य भावानुसार ब्लेस्ड, बिस्ट, प्रेड, क्रस्ट आदि में हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो यहां कैसी सेंस है, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कैसी भाव है वाक्य में, कैसी भाव है जल्दी बताइए। देखते हैं, ही सेड, उसने कहा मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो, अच्छी हो, तो क्या है, यहां इच्छा प्रकट की है ना, तो यहां हम लोग क्या करेंगे, बिस्ट यूज करेंगे, और तो इनडायरेक्ट बनेगा, तो ही He wished that
अब उसके बाद में यू, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे, या तो ऑब्जेक्ट जोड़ लो अपने मन से, और अगर हम लोग नहीं जोड़ते हैं तो थर्ड पर्सन में मान लेते हैं तो ही लिख लेंगे, दैट ही बे का माइट हो जाएगा, ही माइट, और हैप नो चेंजिंग, हैव या हैप्पी जर्नी। ब्लैक बोर्ड भीका हुआ है मेरे साथियों, इसीलिए थोड़ा सा ब्लर दिखाई देता है। अगले वाक्य की तरफ जाएंगे, ही सेड आई मस्ट गो, तो वाक्य तो असर्टिव है, तो जब वाक्य असर्टिव है तो दैट लगेगा, और मस्ट को चेंज नहीं करते हैं, मस्ट में कोई चेंजिंग नहीं होती है, तो ये बनेगा ही सेड दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन में है, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट ही है तो ही के अनुसार ही आई किसमें होगा, ही आई किसमें होगा, ही मस्ट गो। चलिए चौथा देखते हैं, सरला सेट टू विमला, विल यू कॉल मी इन द इवनिंग, तो ये तो यहां से यहां तक इंट्रोगेटिव है, फिर है विमला सेट एस, मेरे प्यारे साथियों अगर एस आ जाता है इस तरह का होता है यस या नो में, तो यस आता है तो यहां हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को रिप्लाइड में बदल लेते हैं और इन अफर्मेटिव कर लेते हैं, और अगर निगेटिव होता है तो नो इन निगेटिव यूज करते हैं। दूसरी विधि है, मतलब कहना क्या चाहती है, सरला ने विमला से कहा क्या तुम मुझे शाम को बुलाओगी, तो विमला ने कहा हाँ मैं तुम्हें शाम को बुलाऊंगी, तो पूरा भी लिख सकते हैं हम लोग, तो लिखेंगे सरला सेट टू, इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड, सरला आस्क्ड विमला। अब किसी रिपोर्टिंग वर्ब से स्टार्ट हो, मतलब वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो क्या करते हैं, यहां सेट नहीं रहेगा, आस्क्ड विमला, तो ये बिल जो है, बिल क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या लगेगा, इफ या वेदर का यूज करेंगे कंजक्शन, कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो इफ लगाएंगे। अब यू बदलेगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट तो सरला लड़की है सी, अब ये बिल किसमें जाएगा, उड में, क्योंकि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो बिल को उड में और सेल को सुड में, तो सी उड, पता नहीं क्या हो गया इसमें आज, शी वुड कॉल मी, मी फर्स्ट पर्सन में है, बदलेगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार सरला, और यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा विमला के अनुसार, तो विमला के अनुसार ये सी हो गया, और ये मी सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये सर, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो सी सरला क्या, लड़की, लड़की के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर, तो यहां हर हो जाएगा, हर इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। फिर आगे विमला सेड, तो यहां लिखेंगे विमला रिप्लाइड, इन अफर्मेटिव, ए डबल एफ आई आर एम ए टी आई बी ई। इसकी दूसरी विधि यह है मेरे प्यारे साथियों कि हम लोग जैसे विमला ने कहा हां, मतलब विमला उसे बुलाएगी, तो विमला replied that she would call him here, ऐसे भी लिख सकते हैं, Bimla replied that she would call her in the evening, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तो सही है, मतलब एस का मतलब वो वही कहना चाहती है, वो उसे बुलाना चाहती है, तो आप चाहे इन अफर्मेटिव लिख ले वो सही है, चाहे विमला रिप्लाइड दैट शी वुड कॉल हर इन द इवनिंग, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मिटा लेंगे क्योंकि इसका दूसरे वाले का बनाना है मुझे, फिर इसको देखेंगे, द टीचर सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे प्यारे साथियों, जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से कोई ऐतिहासिक घटना घटित हो या सार्वभौमिक सत्य हो या आदत प्रकट हो रही होती है तो उसमें कोई चेंजिंग हम लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ क्या है, सूरज पूरब में पश्चिम में छिपता है,
तो ये क्या है, एक सत्य घटना है, पहले भी छिपता था, आज भी छिपता है, कल भी आने वाले कल को भी छिपेगा, मतलब ये हमेशा होगा। तो सत्य घटना में हम लोग क्या करेंगे, केवल दैट लगाएंगे, नो चेंजिंग रिपोर्ट, इसकी जो वर्ब होगी उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो द टीचर सेड, That the sun sets in the west. मेरे प्यारे साथियों, मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बतलाना कमेंट बॉक्स में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कक्षा 9 से 12 तक इंग्लिश, गणित और विज्ञान तीनों की तैयारी करा रहा हूँ। मेरे आप चैनल पर जा करके वहाँ से देख सकते हैं, सारे वीडियो प्लेलिस्ट में हैं। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।